दादा आए हैं, बना दी चाय। ये कल का बर्थडे का गिफ्ट आया है, पर इसने ट्राई करके देखा मान का टाइम आ गया, क्या अपनी बाज का पकड़ ली। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लो। काम हम सारा निपट गया, फिर मेरी तो चेहरा इतनी बुरी है, इसमें बाल इतने अटके हैं, मैं दुखी हो जाऊँ। बाल तोड़ तोड़ गए, इतने बाल तो मेरे चेहरे ने तोड़ लिए हैं, ये थोड़े से बच रहे, इग्नोर करेगी काम। काम हम सारा निपट गया, सुबह सुबह ने देखा, मैं अपना काम ला रही थी फ़ोन को, मेरा फ़ोन का काम इतने निपटा भी नहीं है, सिर्फ इतना सा हुआ है, इतना सा और ड्राइवर इतना सारा, तो थोड़ा सा काम हुआ था। इतने बुआ और आ गई, आज तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिला, पहले बुआ और आई, फिर बड़ी ताई सास आई, फिर अब भाई और आने वाले हैं, देखेंगे कौन कौन आओगा। तो मैंने ये फटाफट नहाने का, हेलो का पानी चल रहा है, तो एक बार मैं नहा लूँ, मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि मम्मी आज बाहर लगी हुई है, बहुत ज़्यादा काम है, बाहर भी चाकी वाके चलाना आ रो और बहुत ज़्यादा काम है, तो मैंने सोचा इतना मम्मी बाहर का निपटाओगी, भी दीपक और आना हो रहे हैं, तो इतने मैं किचन विचन का निपटा दूँ। मैंने अपना सारा किचन का निपटा दिया, अंदर का सारा हो गया, इबे पर मैं फटाफट नहा के आऊँगी, फिर आऊँगी रेडी, उसके बाद फिर देखो किस टाइप से आऊँगी। मैंने फ़ोन किया था तो बोले दीपक और चल रहे हैं, यू को नहीं बताइए कौन कौन आया, सिर्फ यू बताइए कि दीपक दीपक है, दीपक का तो भी मैंने पता हुआ होगा क्योंकि उसने बाइक चलानी सीखी है, तो और ना बताया उसके साथ में कौन है, वो अकेला है क्यों करके हैं। तो इबे बुआ कर रुके होंगे शायद, क्योंकि रुड़की गाँव में मेरी बुआ भी रहे हैं, यानी कि मेरे पापा की बुआ, मेरे दादा की बेबे, हम उसने बुआ कहे हैं, तो वो है उनका दादा से दादे आए होंगे अपनी बेबे का, उसके भी तो दादा और उड़े रुक गए होंगे, तो उड़े तो देख है, फिर यहाँ आएंगे, फिर जाते टाइम फिर उड़े जाएंगे, बुआ और फिर टेंगे खूब बात बूत करेंगे, फिर घर ने जाएंगे शाम में 5-6 बजे की, मेरे तो भी थोड़ी सी देर आया करें, क्योंकि पापा उन करेंगे अखना थारे नहीं आवा, क्योंकि पापा और नहीं है, पता नहीं क्यों कितनी पुराने ख्याल हम करेंगे, मैं छोरी का ना आऊँ, तो इस करके भाई थी बाइक चलानी सिखाई, तो भाई है, अरे देखो दादा है, अक पापा है, अक छोटा भाई है, कौन सा है उन बताए, आ लेंगे जब पता चलेगा। भाई आ गए हैं, दादा आए हैं, मैंने बना दी चाय, ये बनी चाय, मैं नाऊ थी दीदी ने बना लिए, ये ली गई है दूध और लस्सी, इसमें दूध दूसरे में लस्सी, मैं खोल लिया इस बैग ने, के आया है, तब तो दीपक और चाय पी में है, बाद में दिखाऊंगी आपने के सामान आया, पर इन्हें खोल लिया मैं, क्या सुरे सो गए हैं। ये कल का बर्थडे का गिफ्ट आया है, पर इसने ट्राई करके देखा था पहले मोहित, देखिए फिर पैक कर रखे हैं, बर्थडे सोलूंगा अभी तो मैंने समझ लिया। हाँ तो वो इस करके ट्राई करके देखना ना, अगर छोटा बड़ा होया तो एक्सचेंज हो जाएगा। खोल मम्मी ने सारा सामान खोल लिया, क्यों नया ड्रेस बचाई, पर यार छोटी आ गई, भी इसने बदलवाओगी, मैंने मंगवाई थी इसके पीछे मम्मी एक पुछड़ भी आप हो रहे, पर वह ड्रेस मिली को नहीं, वे बोले कि कान कान पे सींग है या ले ले, सही आओगे ना, मैंने कही थी मेरे पापा तो बोला डबल एक्सल है, मैं डबल एक्सल की ताओगी, बोले अगले साल दीपक पक्का आ जाएगी, या उसके तो फिर आराम तो आ जाएगी, सही है ना, या मन्ने मंगवाई है क्या से मामा के लिखे ला ना भरता भड़का ना भरता डरा दी पर नहीं पक्का ना भरे देखी से वो मारी देख देख देखना पड़े ना मान का टाइम आ गया क्या अपनी बाज का पकड़ ली चलो ना पा स्कूटी चला लांग रही चला ला रही पाछ इधर के पहलू हूँ।
हेलमेट लगा शाबाश। अभी चलने का नंबर अरे भाई ने बाइक सीखी तो फिलहाल बाइक पे आया है दादा था वो करो करो बाय। यहाँ से इधर बैठ बैठा रो रहा खेल रहे हैं मतलब कि भाई और जा लिए थे मैंने कपड़े कपड़े चेंज कर लिए ये आए गांव में से ही कुछ काम था तो इसलिए। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है भाई रात के 1:30 का टाइम हो गया अभी तक सोई नहीं है अभी क्या सुलाया है और आज मैं भी इसी कमरे में सो रहा हूँ और मम्मी भी यही है नींद का टाइम हो रहा है बिल्कुल। और भाई कल जो भी लोग देखेंगे वो सब कुछ आ चुका होगा तो थैंक यू सबको व्लॉग के लिए लाइक कमेंट करने के लिए और हैप्पी बर्थडे के लिए बोलने के लिए मैं पहले बोल दूं सबने थैंक्स। और कियांश कहाँ सो गया दिखाइए कियांश फिलहाल थोड़ी देर पत्ते के पास सोया है और पीछे देखो ये दोबारा तो वो करवाया ना हमने टीप लिपाई क्या बोलते हैं लिपाई हाँ कियांश थोड़ी देर सोया मैं तो रही रात में बारह एक जो उठेगा और फिर मैं दोहरावागा कमरे में चल रहा है हीटर गर्म हीटर चला रखा है हमने तो इसमें आराम तो अपना नॉर्मल मौसम हो रहा है गति ठंड नहीं है बिल्कुल भी हम तो पापा ने भेज दे पापा पहाड़े लिया खाटे ने बोला ना भाई मन लगता था मन घना घाटा लग गया अब उठ गया ना फिर मुठाई सारी रात सुन दिया फिर कल मिलेंगे आपसे नए नेक्स्ट व्लॉग में तो तब तक के लिए बने रहे और नेक्स्ट व्लॉग में देखना क्या क्या है क्या क्या नहीं तो चलो बाय बाय इसके साथ यहीं पे एंड करते हैं। और इसने गिफ्ट मंगवाया था मेरे लिए जैकेट बाकी ठीक है जैकेट अच्छी थी भाई सुंदर है जैकेट कौन लेकर आया हुआ जैकेट मंगवाई तो मैंने थी फिर मैं अपनी तरफ से बोली मेरी तरफ से है कौन लेकर आया दीक्षा और ले गए थे मेरे भाई आए थे ना कल वे लेके आए थे ठीक है गाइस चलो बाय 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 धन्यवाद जैकेट के लिए बाय।